हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? मैं अभी आ चुका हूँ यहाँ मुंबई। अभी हम लोग होटल में स्टे किया हुआ है और डायरेक्ट मैं मुंबई से ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैं अभी जर्सी पहन के तो देख ही रहा होगा कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। मैं रोहित सर के घर जाने वाला हूँ। हम लोग कैसे जाने वाले हैं और कैसा पूरा मतलब आपको ब्लॉग दिखाएंगे और कहाँ पर है सब बताएंगे, तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक देखिए। थैंक यू। अभी हम लोग होटल में, मेरे एक साथी थे अभी तैयार हो रहे हैं, वो भी रेडी हो जाएंगे, हम साथ में निकलेंगे फिर अभी। ओके, बाय, स्टे ट्यून। ऑल राइट गाइस, ये अरुण भैया, ये हमारे साथ है, टीम इंडिया के सुपर फैन, जैसे कि आपने उनके माथे पे देख लिया होगा, ये इंडिया का परमानेंट टैटू है। और जब आप ये टैटू लेके चलते हो तो क्या फीलिंग्स होती है और क्या मतलब आपको कैसा लगता है, उसके बारे में कुछ बताइए। बहुत मुझे अच्छा लगता है, बहुत मैं कहीं पर भी जाता हूँ, ये सब इंडिया का टैटू ही देखते हो और इंडिया की टीम को भी याद करते हो, काफ़ी अच्छा लगता है यार मुझे। और जैसे कि आप अभी, हम तो काफ़ी समय से काफ़ी मैचेस देखे, काफ़ी साथ में देखे, तो आपने पीछे भी एक पूरा इंडियन आर्मी को डेडिकेट करने के लिए उनका टैटू बनाया, तो क्या दिखा सकते हैं पब्लिक को? हाँ, ये मैं इंडियन आर्मी को भी, मैं उनका अच्छा बड़ा था हूँ। मैं 26 जनवरी को मैं दिल्ली रहता हूँ, अभी 15 अगस्त को मैं जम्मू कश्मीर लाल चौक में मैं तिरंगा लहरा के आया था। और मैं इंडिया की ये पीछे अलग कहानी है, वो जो मैं अभी नहीं बता सकता, जब बताऊंगा पूरी बात बताऊंगा। और भैया को मतलब टैटू करने में कितना टाइम लगा था? वो ये टैटू कम से कम 4 से 5 घंटे लगे थे ये टैटू बनाने में इंडिया का। और जो पीछे बैक का, आप ये सोच सकते हो कि इसको 5 घंटे लगे, तो बैक देख के तो आप बैक दंग रह जाओगे। कम से कम 15 घंटे लगे। आप दिखा दे थोड़ा सा पीछे का, जो पब्लिक खुश हो जाए। ओहो, इंडियन आर्मी। मैं एक आपको बैक कैमरे से दिखाता हूँ पूरा सिनेमैटिक, जैसे कि आप देख सकते हैं इंडियन आर्मी, उसके बाद में फाइटर जेट है, फिर वहाँ पे जय हिंद लिखा हुआ है और फिर नीचे में इंडियन लिखा हुआ है, जो कि एक पूरा डेडिकेट करता है इंडियन आर्मी को। ये अपने आप में एक बहुत प्राउड की बात है। अभी हम दोनों जा रहे हैं, मतलब लास्ट आपने देखा होगा कि वर्ल्ड कप टीम इंडिया हार गई है, तो काफ़ी प्लेयर को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है, बुरा भला कहा जा रहा है। तो हम लोग ने एक प्लान डिस्कस किया था कि अभी हम लोग जाएंगे वर्ली रोहित शर्मा के घर के पास, और वहाँ हमने एक छोटा सा मतलब एक रैली टाइप होगा, जहाँ पूरे टीम इंडिया के फैंस और हम लोग जाने वाले हैं। तो वहाँ एक टीम इंडिया का हौसला बढ़ाने के लिए, हमारा ये मानना है कि टीम इंडिया जीते या हारे, हम टीम इंडिया के हमेशा साथ में है, हम उनके हमेशा साथ में खड़े रहेंगे और आगे ऐसे ही करते रहेंगे, ऑलवेज सपोर्ट टीम इंडिया। और हम हमसे जहाँ जहाँ बन पाएंगे, हम वहाँ वहाँ टीम इंडिया को सपोर्ट करने जाएंगे। भारत माता की जय। अभी हम लोग होटल के नीचे आ चुके हैं, अभी हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं। हम लोग ने कुछ खाया पिया नहीं था, तो अभी हम लोग नाश्ता करके फिर वहाँ से रेलवे स्टेशन CST जाएंगे, CST छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, और फिर वहाँ से आगे की जानकारी आपको मिलती रहेगी। हमारा एक फ्रेंड भी आ रहा है जो कि दादर में आ रहा है, फिर दादर से हम लोग साथ में जाएंगे। अभी बस पहले नाश्ता करते, भूख लगी है कसकसा के। मुंबई का स्ट्रीट साइड फूड भाई नेक्स्ट लेवल। अभी हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है, अभी हम लोग CST स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं। जैसे कि आप देख सकते हो नज़ारा, ब्रिटिश स्टेशन जिसको बोलते थे पहले, विक्टोरियस टर्मिनस, जस्ट उसके अभी हम लोग पास में है। हम लोग अभी दादर की ट्रेन पकड़ेंगे, फिर दादर से डायरेक्ट बोरीवली, ट्रेन चेंज करना पड़ेगा। ये यहाँ के कुछ, यहाँ का जो वाइब है वो बहुत ही अलग है। अभी हम लोग जा रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि CST स्टेशन है भाई गाइस, ये भाई है। पहले हम लोग टिकट निकाल लेते हैं, एक्चुअली लोग टिकट निकालते नहीं है, पर फाइन पड़ने का डर रहता है, इसलिए हम लोग टिकट निकाल रहे हैं अभी यहाँ से। भी हम लोग अभी हमने टिकट ले चुकी है, अभी हमने टिकट ले चुका है, अभी हम लोग मुंबई की लोकल
मुंबई की जान, मुंबई की शान लोकल में अभी ट्रैवल करेंगे। जैसे देख सकते हो यहाँ कितना ट्रैफिक, मतलब ट्रैफिक बोले तो पब्लिक यहाँ चलते रहती है, किसी के पास रुकने का टाइम नहीं है। क्राउड ही क्राउड है यहाँ पर, इतना क्राउड। हम लोग लोकल में बैठ चुके हैं, ये बहुत बड़ा फैन है भाई, हाँ कसम। आप देख सकते हो ये मेरा बहुत बड़ा फैन है, तो मुझे हवा दे रहा है बेचारा, इतना अच्छा फैन है मेरा। अभी हम लोग दादर के लिए निकल चुके हैं, ट्रेन चल पड़ी है। हम लोग बोरीवली स्टेशन पहुंच चुके हैं, अभी हमारा सागर फ्रेंड भी आ चुका है, अभी हम उससे मिलने वाले हैं, फिर उसके साथ हम लोग साथ में जाने वाले हैं। तो काफ़ी मतलब बहुत स्लो ट्रेन थी यार, दिमाग ख़राब कर दिया। सो अभी हम बोरीवली आ चुके हैं और अभी हम लोग ऑटो से जा रहे हैं अपने डेस्टिनेशन में, फिर वहाँ से हम लोग जाएंगे, कुछ सरप्राइज़ है। तो सागर अभी हमको मिल चुका है, जैसे कि हमने कहा था कि वो बोरीवली स्टेशन में है, हम लोग ऑटो में जस्ट विद इन मिनट्स हम लोग पहुँचेंगे हमारे डेस्टिनेशन में। आप लोग भी आइए, वीडियो से कुछ कुछ के आ जाओ बाहर। स्टील है, स्टील कोई आना। सो अभी हम लोग ने कैब बुक कर लिया है, अभी हम लोग जाले वर्ली के लिए। दीपक भाई ब्लॉगर हो गए पूरे। क्या करते, ब्लॉग करना पड़ता है इधर। साग वाइंस हमको दिखा रहा है क्या? आपको दिखाऊं क्या? नहीं नहीं, हमको क्या दिखा। ये हमारे सर जी हमको डेस्टिनेशन में छोड़ेंगे। हाय कर दो अंकल। हमको बोल रहे हैं जो हमको दिखा। अंकल अभी फट। सो गाइस अभी हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, हम लोग जाले, हम जाले किधर जाले बच्चे बन गए। सो गाइस अभी हम लोग कैब में बैठ चुके हैं, अभी हम लोग जा रहे हैं वर्ली। अभी हम लोग के साथ में हम चार पर्सन है, जो कि एक गाड़ी वाले भैया है, उनको ले लो पहला। अंकल हाय कर दो, एक नंबर। यस, वीडियो वीडियो वायरल हो जाओगे आप भी। वायरल हो जाओ आप यार, कोई बात है क्या? बांधा होएगा बाद में, बुकिंग पे बुकिंग आएगी। उबर ड्राइवर वायरल में क्या लगते हैं गाइस? अभी हम लोग वर्ली सी फेस में आ चुके हैं, जो आपको आहूजा टावर यहाँ से क्लियर दिख रहा होगा। अभी इतने सारे बिल्डिंग में मैं आपको कैसे बताऊँ कि कौन सा है, पर हमको यहाँ से क्लियर दिख रहा है। सो विथ इन अहमदाबाद गुजरात से आया हूँ, और चाहे टीम इंडिया हारे चाहे जीते, हम उनके साथ में खड़े रहेंगे। और उनका आज हौसला बढ़ाने आए, कल न्यूजीलैंड इंडिया का भी मैच है, और यहाँ पर हम मुंबई आए और टीम इंडिया का एक हौसला बढ़ाने आया है यहाँ पर। हेलो गाइस, माय नेम इज दीपक पटेल और मैं नागपुर से आया हूँ। जैसे कि कल इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच है और हम लोगों ने लास्ट T20 वर्ल्ड कप हार गए थे, तो काफ़ी लोग हमारे प्लेयर्स को, टीम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे, गाली दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे। तो हमको टीम की हार होना चाहिए, तो टीम की हमेशा साथ में साथ खड़े रहने चाहिए। इसलिए हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड कप है, रोहित शर्मा के बाद हम लोग यहाँ पे चेयरअप कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम लोग हमेशा रोहित शर्मा के साथ में, टीम इंडिया के साथ है। सिचुएशन कैसा भी हो, हम लोग को टीम इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। टीम इंडिया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। टीम इंडिया तुम आगे बढ़ो, हमारे साथ हैं। बोलो भारत माता के जय, भारत माता के जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता के जय। वाला गोरे गोरे इक्के।